बहुत हो गया केवल केमिकल्स से बने शैंपू से बालों पर अत्याचार। हमने बालों की मजबूती व खूबसूरती के लिए सदियों से आजमाई गई जड़ी बूटियों से तैयार किया है केश कांति नेचुरल, मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा, एंटी डेंड्रफ आदि हर्बल शैंपू, और वो भी विदेशी कंपनियों के केवल केमिकल से बने शैंपू से लगभग आधे दाम पर। वर्षों से करोड़ों महिलाओं ने केश कांति को अपनाया और इसे हमेशा खरा पाया। राजस्थान की धरती से देश की राजनीति की दिशा तय होने जा रही है। कांग्रेस अपनी पार्टी की दशा और दिशा सुधारने के लिए राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच चिंतन शिविर करने जा रही है, तो इसके अगले हफ्ते आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए बीजेपी 20 और 21 मई को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेगी। बीजेपी की इस दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस शासित राजस्थान में इस तरह की बड़ी बैठक करने का अपना राजनीतिक महत्व है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है और राज्य के दूसरे इलाकों में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर भी भाजपा लगातार आक्रामक तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। जयपुर में बीजेपी की इस तरह की बैठक का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी से बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और देश में सांप्रदायिक टकराव की घटनाओं ने मोदी सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक देश की दो बड़ी पार्टियों की राजस्थान में होने वाली बैठकों से प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ना तय है। कांग्रेस हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के साथ साथ पार्टी के भविष्य को लेकर रोड मैप तैयार करने पर विचार करेगी। इसके साथ ही पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर रणनीति तैयार करेगी। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़ी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो व्यवधान पैदा करेगा उसके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा। मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस भी दर्ज हो गया है, अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन राज ठाकरे अपना फैसला बदलने को राजी नहीं है। उल्टा उन्होंने उद्धव सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मेरा कहना है कि सभी गैर कानूनी लाउडस्पीकर को मस्जिदों से हटाया जाना चाहिए। उन्हें हटाए जाने तक हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। हम राज्य में शांति चाहते हैं। पुलिस उन 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। पुलिस केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राज ठाकरे ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने भी अब ठाकरे पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी आज राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें लाउडस्पीकर विवाद पर चर्चा हुई। बैठक में इस विवाद पर सरकार के स्टैंड का समर्थन किया गया और गेंद को केंद्र सरकार की पाली में डाल दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अजान के समय व्यवधान डालने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार ना करें। पुलिस ने भी राज ठाकरे के आवास पर घेराव कर लिया है। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि कभी भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार की पोल खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अक्सर ही सरकार की खामियों को उजागर कर जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसा ही अब एक और मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए उसे आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, वन रैंक वन पेंशन के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और गरीबी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूर्व सैनिकों को अप्रैल माह की पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर सैनिकों और देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैकड़ों पूर्व सैनिकों को अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है और इसके लिए सरकारी विभाग की ओर से कोई कारण भी नहीं बताया गया है।
जिसको लेकर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो अपनी एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। और बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके इस दौरे पर भी घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी खुद ही फंस गई और उसका पासा उसी पर ही उल्टा पड़ गया।